हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वाला संतोष बगरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 8, व्हेन अ सम ऑफ मनी बिकम्स एन टाइम्स इटसेल्फ। कोई भी मनी मतलब प्रिंसिपल है, अपने आप का कुछ टाइम्स हो जाता है, तब हम इस सिंपल फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इफ सम ऑफ मनी रुपीज पी बिकम्स एन टाइम्स इटसेल्फ एट आर परसेंट रेट पर एनम फॉर टी ईयर्स, तो इसलिए प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट हो जाएगा एन इंटू पी, ये अमाउंट आ गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला ये हमें मालूम है, ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं आपको, निकाला था हमने। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अब हम इस फॉर्मूले में ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, एनपी। तो NP इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। P से P कैंसिल हो गए। अगर आपको N फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हो गया, देखिए 100 प्लस RT अपॉन 100। तो पहला N के लिए फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट यूज करेंगे, विदिन सेकेंड आपको आंसर आएगा। इसके आगे अब आर एन टी फाइंड करना, तो इसके लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी इक्वल टू यहां हो जाएगा 100 एन, 100 ले जाएंगे माइनस में, तो आर टी इक्वल टू 100 एन माइनस 100, 100 कॉमन आएगा, 100 क्या आ जाएगा कॉमन। देखिए तो t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन r, अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t। तो अपने पास देखो थ्री फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूले हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, t एंड r इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगर कुछ टाइम्स हो जाता है तो अपन कितना इजी तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो टाइम दिया 15 इयर्स और मनी बिकम्स डबल, तो एन टू है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यहां आर का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए आर का फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 15, तो आर इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 100। देखो ये केवल मन में ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, विद इन सेकेंड। तो 20 अपॉन 3, 6 एंड 2 अपॉन 3 परसेंट आ गया। देखो पहला क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मन में सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, इसमें भी आर फाइंड करना है, एन माइनस 1 तो 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 5, ये देखिए तो यहां आर आ गया 20%। देखते जाइए आप क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट यहां टी फाइंड करना है, आर 10% पर एनम, एन है 4 टाइम्स, तो टी का फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर, आर डिवाइड में आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 10 या 100, तो t आ गया 3 इंटू 10 30 इयर्स, तो 30 इयर्स में 4 टाइम्स हो जाएगी मनी। देखते जाइए अब ये भी क्वेश्चन, r है 5% और n 3 टाइम्स है, टाइम फाइंड करना है, फिर टाइम का फॉर्मूला लगेगा वही, देखिए n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर, तो यह आ जाएगा एन है 3 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन एन, कितना आर कितना है 5 से 20, और ये 2 बचेगा तो 220 या 20 इंटू 2 40 इयर्स। तो इन दिस क्वेश्चन मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 40 इयर्स।
40 साल में धन दोगुना हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितना कम टाइम में।